हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज मैं हम सभी को अपना जो इंग्लिश ग्रामर है उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, जो हमारा ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, वो हमारा मतलब किस बेसिक से स्टार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों, जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों बहुत सारी चीज़ आती है, ठीक है, कि जो वर्ड है उसे बहुत सारे काइंड्स में, डिफरेंट्स काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बेसिक्स सीखने के लिए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ बताती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। बच्चों देखिए, आप सभी मेरे साथ साथ या तो अपनी कॉपी में इन सब चीज़ों को लिखेंगे या आप वीडियो को ध्यान से देख के और बाद में भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ताकि बच्चों आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। तो चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। बच्चों वर्ड्स जो हैं उनको बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बच्चों इनको अकॉर्डिंगली उनके यूज के डिवाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क दे डू इन दी सेंटेंस, इन दी सेंटेंस। तो बच्चों देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 8 टाइप के। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड होता है वर्ब, थर्ड होता है प्रोनाउन, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे नाउन के बारे में, हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होगा नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो बच्चों आप इसका देखिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए आप सभी। देखिए बच्चों, नाउन अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चों किसी भी पर्सन, आदमी, किसी भी जगह और किसी भी थिंग, चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, राम इज अ गुड बॉय। तो बच्चों यहाँ हमारा नाउन क्या होगा, राम। राम हमारा यहाँ नाउन होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, राम हमारा नाउन होगा। अकबर, ठीक है, राधा, ठीक है, जैसे अकबर है, अकबर हमारा नाउन होगा, राधा हमारा नाउन होगा, ठीक है। सेकेंड देखिए बच्चों, ये हुए हमारे पर्सन। प्लेस, जैसे ही इज
going to Delhi. वो दिल्ली जा रहा है. तो बच्चों दिल्ली, दिल्ली हमारी जगह हो गई. तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. तो दिल्ली हमारी प्लेस हो जाएगी. तो यहाँ पे नाउन हमारा दिल्ली होगा. ठीक है, ठीक है बच्चों. अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए बच्चों, इनमें पीपल में जैसे कि फादर भी आ जाएगा, ठीक है, गर्ल भी आ जाएगा, फार्मर भी आ जाएगा. ठीक है, एनिमल्स के नेम को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एनिमल्स भी. ठीक है, सेकंड है जैसे कि लाइब्रेरी हम ले सकते हैं, लाइब्रेरी भी एक जगह होती है. ठीक है, स्कूल, स्कूल भी हम ले सकते हैं, स्कूल, गार्डन, ये सब बच्चों जगह होती है. तो इन सबको हम नाउन बोलेंगे. टेम्पल, ठीक है, टेम्पल, मंदिर, मंदिर भी जगह होती है. ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे हमारा आया लायन, टाइगर, मंकी, ये सब हमारे नाउन हुए. थिंग्स बच्चों, थिंग्स में क्या आती है, जैसे टेबल आ गई हमारी, चेयर, पेन, कोई भी चीज़ हो बच्चों. ठीक है, ये सब हमारे नाउन होते हैं. तो हम वापस से देखेंगे बच्चों, व्हाट इज़ नाउन. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. ठीक है, सभी को समझ में आया बच्चों. चलिए अब आगे देखते हैं हम. अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ समझाया, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, आप लोगों को भी बताना होगा इसके अंदर. देखिए, बेबी इज इन दी कॉट, बेबी कॉट के अंदर है. तो बच्चों बेबी इसके अंदर हमारा क्या होगा, नाउन होगा. ये कौन सा नाउन होगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें नाम ही दिया जाए, जैसे अकबर दे दिया, राधा दे दिया. बच्चों यहाँ पे हम दे सकते हैं फादर, मदर, बॉय, गर्ल, बेबी. ठीक है, इस तरह से. तो इसको भी हम पर्सन, पीपल बोलेंगे. ठीक है, देखिए सेकंड है, ग्रैंडपा लव्स टू, लव टू वॉक. ग्रैंडपा को चलना पसंद है. तो यहाँ बच्चों ग्रैंडपा हमारा क्या हो गया, पर्सन, नाउन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू जू, वो जू गया. ठीक है, तो यहाँ हमारा नाउन होगा जू. जू कौन सा है, ये हमारा प्लेस हो गया है. ठीक है, कि वो जू गया है, जगह बताई है. ठीक है, ही लव्स डॉग, उसे डॉग पसंद है. तो यहाँ डॉग हमारा नाउन हो गया. कौन सा है ये, एनिमल, नेम ऑफ एनिमल्स. ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया. नेक्स्ट होगा बच्चों, ही हैज फोर पेन, उसके पास चार पेन हैं. तो बच्चों पेन हमारा क्या हुआ, थिंग. तो ये हमारा नाउन हो गया. ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया. तो बच्चों देखिए, आप सभी को यहाँ बताना होगा कि मैं आप सभी को देती हूँ कुछ वर्ड्स, मैं आप सभी को दे रही हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नाउन, पर्सन, एनिमल, थिंग, एंड प्लेस. मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ बच्चों बहुत सारे नाम, आप सभी को आइडेंटिफाई करना है. तो बच्चों आप सभी थोड़ा ध्यान से देखिए.
अब बच्चों सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा नाउन है। जैसे यहाँ टीचर, टीचर, पेंसिल, पार्क, चर्च, फिश, बेबी, इरेजर, मॉस्क, कारपेट, गॉट, हनी, आइस, हॉर्स, ऑफिस, फार्मर, सन। ठीक है बच्चों, देखिए आपको मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो बच्चों आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ बताना है कि ये जो मैंने टीचर, पेंसिल, पार्क, चर्च, फिश, बेबी, इरेजर, मॉस्क, कारपेट, गॉट, हनी, आइस, हॉर्स, ऑफिस, फार्मर, सन, इनमें बच्चों कौन सा नाउन है आपको बताना है। जिसकी जो भी होगा उसके आगे आपको लिख देना है कि ये पर्सन है, ये एनिमल है, ये थिंग है, ये प्लेस है। इस तरह से आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। तो बच्चों मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूँगी, देखिए बच्चों, देखिए आप सभी एक बार देख लीजिए, नाउन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो बच्चों देखिए आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी मतलब किसी भी आदमी, जगह, किसी भी वस्तु या किसी भी जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों आप सभी देखिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और अपने जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनको भी सॉल्व कीजिए, और आपकी बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसे भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप सभी एक्सरसाइज है इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए कि आपको कैसे क्या समझ में आया। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बच्चों देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन, नाउन हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ब बताऊंगी। अगर बच्चों किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। और बच्चों इसी तरह आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बने रहे मेरे साथ, आपको मैं रोज़ नया नया कुछ सीखने को दूंगी जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।